हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारा जो एजुकेशनल का टॉपिक चल रहा था, सारे मेथड्स, एजुकेशनल मेथड्स, उसमें ये वाली नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आई थिंक 5 or 6 मेथड्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं पहले, और ये वाले मेथड के अंदर आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल मेथड, यानी कि कालानुक्रमिक विधि। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म मेथड है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्टिंग में इसका दिया गया है, लॉन्ग ही शब्द यूज़ किया गया है, यानी कि कालानुक्रमित विधि। इसमें लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, लॉन्ग टाइम मेथड है ये नहीं कि आपने आज किया कल ख़त्म हो गया। कई बार इसमें इतना समय लग जाता है कि 10-10 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, इस तरह का समय भी इसके अंदर हम रख सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, इस मेथड को यूज़ करने के लिए इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपके लिए कितना भी टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। या आपका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें बहुत सारे शील गुण और कुछ ऐसे गुणों का पता लगाना है, तो उसके लिए आप 10 साल 20 साल 22 साल मतलब कितना भी टाइम रख सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि आपको 4-5 घंटों में देखना होता है, तो उतना भी टाइम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये लॉन्गिट्यूड लेकिन कालानुक्रमित विधि इसलिए ही है क्योंकि मैक्सिमम हम कितना भी टाइम इसमें ले सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, टाइम की कोई सीमा नहीं है कि आपको लिमिटेशंस है कि नहीं, इतना ही टाइम के अंदर आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया ये। सेकंड पॉइंट ये कि कालानुक्रमित विधि होती क्या है। जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि कालानुक्रमित विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंदर एक ही तरह के बच्चों के ऊपर अध्ययन किया जाता है एक सीमा अंतराल के अंदर। मतलब आप उसके अंदर अगर आप 8वीं क्लास के किसी बच्चे के ऊपर कुछ स्टडी करना चाहते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स ही लेंगे। मतलब अगर आपको अपने ग्रुप के अंदर 5 बच्चे चाहिए तो आप 8th क्लास के ही बच्चे लेंगे। अगर आपको 9th के चाहिए तो आप सारे 9th स्टैंडर्ड के ही लेंगे। मतलब उनका मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एज वगैरह सब सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी 8वीं क्लास के बच्चे को उठा ले, किसी 12वीं क्लास के बच्चे को उठा ले, कोई 10वीं क्लास के बच्चे को उठा ले और उसका एक ग्रुप बना के आप क्या है लॉन्गिट्यूड मेथड अप्लाई कर सके, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको ऐसे ही बच्चों को लेना पड़ता है जिनका सामाजिक आर्थिक स्वरूप सेम हो, उम्र सेम हो, मेंटल एबिलिटी सेम हो, या वो एक ही समूह से रिलेटेड हो। इसके अंदर उन बच्चों को रखा जाता है। और इस विधि के अनुसार क्या बात कही जाती है, इसमें कहा जाता है कि छात्रों के एक समूह का अध्ययन भिन्न भिन्न समयों पर तथा उनके व्यवहार और अन्य गुणों में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। मतलब लॉन्गिट्यूड कर्मर मेथड का जब हम कालानुक्रमिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी उनके व्यवहार या गुणों के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं समय के अनुसार उनको ऑब्जर्व कर सके। आज जो गुण आपके अंदर है, आज जो चीज़ है, तो उसको ऑब्जर्व करना कि कल भी वो गुण आप में वैसा ही रहेगा या वो समय के साथ चेंज हो जाएगा। कई बार बच्चों में होता है ना, जैसे ईमानदार या फिर कोई अन्य गुण होते हैं, शील गुण, जैसे इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के, तो इंटरेस्ट भी क्या है, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। बच्चों को बड़े होकर मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है कि अब मुझे मूवीज़ देखना पसंद है। जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे मोटे गेम्स में लगे रहते हैं अपने, जैसे उनको क्रिकेट ज़्यादा पसंद होता है, क्रिएटिविटी या एक्टिविटीज़ करते रहते हैं उस टाइम पे, तो जैसे खिलौनों को तोड़ना फिर जोड़ना, वो अपनी इंजीनियर पंती वहीं पे निकालते रहते हैं। लड़कियां जैसे घर घर खेलने लगती है तो वहाँ पर इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद उनका इंटरेस्ट क्या है, एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाते हैं। वहाँ पे इंटरेस्ट उनका डेवलप हो जाता है, किसी और चीज़ में चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस मेथड के थ्रू हम किसी प्रकार के व्यवहार और जो गुण हैं उनमें परिवर्तन देखने के लिए इस मेथड का अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, इस मेथड को आप कितने भी समय के लिए रख सकते हैं, क्या है वो 10 साल हो, 20 साल हो, या फिर आपके 4 या 5 घंटे के टाइम पीरियड में हो, ठीक है। इसके बाद है, इसमें एक डेफिनेशन दी गई है, समय अवधि शोध विधि। इसको समय अवधि शोध विधि भी कहते हैं, समय अवधि शोध विधि। टाइम स्पेंड रिसर्च मेथड, इसको
क्यों कहा गया है समय अवधि शोध विधि, जो हमारे स्ट्रांग थे उन्होंने एक बात कही थी, एक डेफिनेशन दी थी कि एक ही व्यक्ति का एक समय अवधि तक प्रायः कई वर्षों या उससे भी अधिक समय तक अध्ययन किया जाता है। मतलब इसको समय अवधि शोध विधि इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो एक समय अवधि रखी गई है ना, वो कई वर्षों या कई वर्षों से ऊपर की रखी गई है, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो इसीलिए इसको समय अवधि शोध विधि कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रुप बनाए जाते हैं, जिन ग्रुप्स के ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन करना है या लॉन्गिट्यूड मेथड का एप्लीकेशन अप्लाई करना है, उसके अंदर एक ही समूह, जो एक व्यक्ति का समूह होता है, वो रखा जाता है सेम कैटेगरी के बच्चों का। मतलब उसके अंदर कोई भी एज डिफरेंस नहीं होता है, कोई सोशल डिफरेंस नहीं होता है, कोई फाइनेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति समान होती है, उनकी मेंटल एबिलिटी सेम होती है, एज ग्रुप सेम होता है, उस टाइप के बच्चों को इसके अंदर रखा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, अध्ययन बार बार किया जाता है तथा अलग अलग समय पर किया जाता है। इसके अंदर हम जब ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के, जिस भी चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है, जिन गुणों का या व्यवहारों का पता लगाना है, तो वो एक टाइम टाइम के बाद हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे 10 सालों के लिए हमने टाइम फिक्स कर दिया कि बच्चों का आज हम ऑब्जर्व कर लेते हैं और 10 साल के बाद देखेंगे कि क्या बिहेवियर में चेंज है। तो वो 10 साल के बीच का जो गैप होगा, 1 से 10 के बीच का जो गैप होगा, उसमें भी हम बीच बीच में बच्चों का अध्ययन करते रहेंगे कि किस स्टेज पे, किस किस टाइम में क्या क्या बच्चों में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या व्यवहार या परिवर्तन देखने को उसमें मिल रहे हैं। अब इसमें जो इसको अप्लाई किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल मेथड को, वो कुछ की पॉइंट्स या तत्वों को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है मेनली। इसमें क्या होता है कि परिवर्तनों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जो जो बच्चे के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक दूसरे से तुलना करने के लिए इसका अध्ययन करते हैं कि सेम ग्रुप के बच्चे में इसमें कितना डिफरेंस आया, इसमें कितना। अब मान लीजिए एक ग्रुप है, उसके अंदर 5 बच्चे रख दिए, सेम एज के हैं, सेम एबिलिटी के हैं, सेम मेंटल एबिलिटी, सेम आर्थिक सामाजिक स्थिति, सब बराबर है, और मान लीजिए क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें इनका भाषा विकास का ऑब्जर्वेशन करना है, भाषा विकास, तो हम कैसे करेंगे, हम ये चीज़ चेक करेंगे कि 8th क्लास के बच्चे, जो हमने 5 एक ग्रुप बना के रखा है, जिसके अंदर हमें भाषा विकास का जो ऑब्जर्वेशन करना है कि किस बच्चे में कितना भाषा विकास हो रहा है, तो उसमें क्या ज़रूरी नहीं, क्या पता ये फर्स्ट वाले बच्चे को केवल जो भाषा का विकास है वो 10 ही शब्द आते हों, इसको 20 आते हो, इसको 15 आते हो। हालांकि सबका मेंटल एबिलिटी या एज ग्रुप सब सेम है, लेकिन सबका आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। मैं अगर किसी चीज़ को सीख रही हूँ तो क्या पता मैं उसको जल्दी ऑब्जर्व कर लूँ। कुछ जो मिडिवल होते हैं, जो धीरे धीरे सीखते हैं, जिनकी लर्निंग पावर स्लो होती है, वो बहुत धीरे से सीखते हैं, वो केवल 5 ही शब्दों को ग्रहण कर सकें। कोई बच्चा 15 को कर ले, कोई 20 को कर ले, तो इस तरह से सब में एज डिफरेंट देखा जाता है। मतलब यहाँ पे भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को, कि सब की जो लर्निंग पावर होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो उस हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि एक बच्चे ने कितना सीखा, दूसरे ने कितना, तीसरे ने कितना। तो इसमें तुलना की गई है आपस में इस मेथड के थ्रू कि हमने सभी चीज़ें सेम रखी है, कैटेगरी भी सेम, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सेम, फिर डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, फिर बच्चे को सीखने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने 10 सीखे, किसी ने 5, किसी ने 25 सीख लिए, वहाँ पे उसका रीज़न क्या है, वो चीज़ पता लगाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो पॉइंट रखे गए हैं कि किस किस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं इसके द्वारा, मतलब क्या क्या तत्वों का हम अध्ययन कर सकते हैं, वो इस तरह से हैं। पहला, आप इस मेथड के थ्रू बच्चे का भाषा विकास का अध्ययन कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितना भाषा विकास हो रहा है एक टाइम के पीरियड में, जो स्टेप बाय स्टेप बच्चा भाषा विकास गेन कर रहा है वो कितना कितना कर रहा है। दूसरा होता है पेशीय विकास, यानी कि उसका फिजिकल, उसका मांसपेशियों का या मानसिक स्थितियों का या मानसिक क्रियाओं का कितना विकास हो रहा है। थर्ड है संज्ञात्मक,
संज्ञानात्मक विकास, ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है आपका, यानी कि मेंटल से मेंटल एबिलिटी, आपका मानसिक विकास कितना हो रहा है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो रहा है, किस चीज़ को आप कितना सीख सकते हैं अच्छे से, कितना आप स्लो हैं, कितना फास्ट हैं सीखने के लिए उस चीज़ में। और फिर आता है व्यक्तित्व विकास, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस रूप में भी आप अध्ययन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू कि बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना हो रहा है। हर एज के अकॉर्डिंग जब उसकी एज चेंज होती है, डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे की पर्सनालिटी भी ऑटोमेटिकली क्या है, चेंज होती चली जाती है। आज हम जैसे बचपन में थे वैसे आज नहीं होते, हमारी बोलने की भाषा चेंज हो जाती है, वे ऑफ टॉकिंग अलग हो जाता है, वे ऑफ वॉकिंग, सब चीज़, ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम व्यक्तित्व विकास भी इसके साथ अध्ययन कर सकते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी किस किस एज लेवल पे कैसे कैसे डेवलप होती चली जाती है। उसके बाद आता है चिंतन क्षमता, यानी कि थिंकिंग पावर बच्चे की कितनी डेवलप हो रही है। आपको पता ही है कि आज जब मैं भी छोटी थी तब मेरे अंदर भी इतना भाषा विकास नहीं होगा या सोचने की क्षमता इतनी नहीं होगी। अगर मैं आज आपको कोई टॉपिक दे दूं, अगर आप बड़े बच्चे हैं, मतलब 10-12 के बच्चे हैं, या फिर कॉलेज के, अगर मैं आपको एक टॉपिक ला के दे दूँ कि आपको चलो ताजमहल के बारे में 10 लाइनें बोल के दिखाइए मुझे, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेंटल एबिलिटी या उस चीज़ के लिए थिंकिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप फटाफट से आंसर कर देंगे कि वो क्या है, किस लिए बना था, उसका कलर कैसा है, उसके फीचर्स क्या हैं, आप सब कुछ बता देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ मैं एक छोटे बच्चे के लिए एप्लीकेबल करूँ कि चलो आप मुझे ताजमहल के बारे में 10 चीज़ें बोलकर दिखाइए, तो वहाँ पे क्या है, उसका चिंतन जो क्षमता है, चिंतन क्षमता या विकास, उसकी थिंकिंग पावर इतनी डेवलप नहीं हुई हुई होती कि वो बच्चा इतनी जल्दी से आपको बिना कोई ऑब्जेक्ट को देखे हुए उसके बारे में आपको चीज़ें बता दे। तो इसीलिए इस मेथड के थ्रू हम बच्चे की चिंतन क्षमता का भी विकास होते हुए देख सकते हैं कि किस किस लेवल पे बच्चे में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अब इसके बाद इसके गुण अवगुण आ जाते हैं मेथड के, कि मेथड के गुण क्या हैं, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए और कौन सी क्लास में करना चाहिए। वैसे लॉन्गिट्यूड मेथड से आपको पता ही चल गया कि इस मेथड में आपको एक ऐसे एज ग्रुप के बच्चों को लेना चाहिए जो सेम हो, हर चीज़ आपको सेम उसमें लेवल पे रखनी है, ताकि आप किसी भी चीज़ में जो भी आप जजमेंट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लास्ट में जाके जब इवेल्यूएशन करें तो आप उसमें तुलनात्मक अध्ययन कर सकें, दोनों का कंपेरिजन कर सकें कि इसमें इतना डेवलपमेंट हुआ, इसमें इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उसके रीजन्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ओके, इसके बाद इसके गुण अवगुण देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, मतलब आपको पता ही है कि हम जो ये लॉन्गिट्यूडल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या है, हमें बिहेवियर ही तो देखना है बच्चे की, मेंटल एबिलिटी तो चेक करनी है कि टाइम के अनुसार जैसे जैसे परिवर्तन आते जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, मानसिक विकास होता चला जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता चला जाता है, तो उससे उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, उससे उसके मानसिक प्रक्रियाओं में क्या चेंज आता है, उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी डेवलप हो जाती है या बाकी चीज़ें कितनी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसीलिए मानसिक और व्यवहारात्मक अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड है। और सेकंड आता है इसमें समान व तुल्य, समान व तुल्य रखने से संबंधित समस्या, इसका क्या मतलब है, समान व तुल्य रखने से संबंधित समस्या। देखिए, जब हम एक अपना लॉन्गिट्यूडनल मेथड अप्लाई करने के लिए जिस एक स्टेज पे हम स्टार्ट करते हैं और जिस एक लास्ट स्टेज तक हमें जाना है, उसके बीच में जो समय अंतराल होता है या फिर तुल्यात्मक अध्ययन होता है, उसके बीच में जो एरर्स उत्पन्न होते हैं ना इन दोनों को लेकर, वो अपने आप क्या होती है, टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल के कारण समाप्त हो जाती है। हमें वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं देखने को मिलती है कि हमें वहाँ पे उसके कुछ हार्मफुलनेस दिखाई दे या बेनिफिट्स नज़र ना आए, उस रूप में हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई नहीं देती हैं।
और एक और चीज़ की परिवर्तन होने की दिशा में पता चलना, जैसे जैसे बच्चों का परिवर्तन होता चला जाता है, मानसिक शारीरिक विकासात्मक संवेगात्मक जो भी डेवलपमेंट बच्चे का होता चला जाता है उसके अनुसार हम एक डाटा रेडी करते रहते हैं कि इस एज में बच्चे में इतना परिवर्तन हुआ, इस एज में बच्चे ने 10 भाषा शब्द सीखे, इस एज में बच्चे ने 20 भाषा शब्द सीखे, फिर 1200, फिर 1600, फिर 2500, फिर 15000, फिर उसके बाद क्या है बच्चा एक वाक्य बनाने लग जाते हैं, 2-3 वाक्य बनाने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे पैराग्राफ में डिफरेंस हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चों में इतना भाषा विकास हो जाता है कि वो अपने शब्दों को पूर्ण रूप से किसी भी अनुसार चीज़ों में ढाल कर खुद अपने शब्दों का निर्माण कर सके। इसके बाद इसके अवगुण आते हैं। सबसे पहला अवगुण इसमें है समय अधिक लगना। जब मैंने ये मेथड आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही बता दिया था लॉन्गिट्यूड मेथड, यानी कि इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, 10 साल 20 साल 30 साल, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ये कितना भी आगे तक जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा अधिक समय इसमें लग सकता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कोई मेथड या कोई आपको किसी चीज़ बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करना है तो आप 2 घंटे के अंतराल में अभी क्या है बच्चे का बिहेवियर और कल को क्या होगा, ये पर्सनालिटी अभी क्या है बच्चे की 2 दिन के बाद क्या होगी, वो आप ऐसे जज नहीं कर सकते। आज जो है तो 2 दिन के बाद भी वो तभी होगी, वैसी सेम होगी, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा अभी जो एक सेम एज में है या एक स्टेप पर है स्टेज पे, वहाँ पे आपको सेम उसकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डिफरेंस तब आएगा जब वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, नेक्स्ट स्टेज पे आगे चलेगा, तो वहाँ पे क्या है आपको उसके लिए वेट करना ही पड़ेगा, 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल, वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती है उसके लिए। सेकेंड पॉइंट है इसमें प्रयोज्य, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, प्रयोज्य की संख्या कम होना। अब इसमें क्या है सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट पे हम ऑब्जर्वेशन अपनी कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूड मेथड का एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है उसमें कमी आ जाना। लाइक मान लीजिए आपने एक ग्रुप के अंदर 5 बच्चे रखे, सेम एज के, सेम मेंटल एबिलिटी के, सेम सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर के बच्चे रखे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कई बार ऐसे हो सकता है कि आपने 5th क्लास में उनका एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, ये वाला मेथड उन बच्चों पे अप्लाई करना स्टार्ट किया, और आपको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कम से कम 10 साल चाहिए, तो क्या पता कुछ बीमारी के कारण बच्चों में कुछ कमियां आ सकती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा जो आपका सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, कोई किसी का ट्रांसफ़र हो गया उनके पेरेंट्स का, तो उनको वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी क्या है जो आपके ग्रुप के 5 बच्चे थे वो 1 चला गया तो आपके पास 4 ही रह जाएंगे, तो उसमें क्या है तुलनात्मक अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे आपने जिन बच्चों को अपना सब्जेक्ट बना के स्टार्ट किया था कोई अध्ययन करने के लिए, वो उसमें कमी आ जाएगी। कुछ में क्या हो सकता है कि किसी कुछ ऐसी घटना घटित हो सकती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट बच्चा देख सकते हैं जिससे उनकी मानसिक आघात की स्थिति पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और जो दिमाग पे छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होता है बच्चे के ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहता है जिससे बच्चे आगे चल के वो परिस्थिति से डगमगा जाते हैं जो भी आपको उस चीज़ के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा अवगुण इसका यही है कि सब्जेक्ट की जो संख्या होती है ना वो कम होती चली जाती है। आपने 5 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया अपना, फिर वो 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी, या 1 भी नहीं रह सकती, तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंशली नहीं होते हैं। उसके बाद है 3rd पॉइंट, अभ्यास का प्रभाव। अभ्यास के प्रभाव से आप क्या समझते हैं कि अभ्यास के प्रभाव में जब बच्चा अभी छोटा है लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी या वो आगे ग्रोथ करेगा, तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो सब इंक्रीमेंट होता चला जाएगा उनमें। तो बच्चा आगे चल के इतना अभ्यास कर लेता है, इतनी प्रैक्टिस कर लेता है हर चीज़ की, कि वो इतना स्टेबल हो जाता है कि क्या पता वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने बिहेवियर को चेंज कर दे, मतलब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने इंटरेस्ट को चेंज कर दे, बिहेवियर में चेंज कर दे, या फिर उसमें कोई आर्टिफिशियल एरर डेवलप कर दे। छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं उसमें आर्टिफिशियल एरर क्या डेवलप करना है, या उसमें कोई
किसी तरह की हानिकारक चीज़ें या चीज़ों को कैसे डालना है। तो इसीलिए बड़े बच्चों को सब पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को बिगाड़ सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को सुधार सकते हैं। तो इसी के कारण बच्चे वहाँ पर क्या है, अभ्यास का प्रभाव रखकर अपनी उस चीज़ को अच्छा या और बुरा बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है दासता प्रभाव। इसके अंदर क्या गया है, एक ही अवधि में जन्मे व्यक्तियों के समूह को दासता प्रभाव कहते हैं। दासता प्रभाव किसे कहा जाता है, जो बच्चे एक ही अवधि यानी कि एक ही टाइम पीरियड में जन्मे हो उन बच्चों के ग्रुप को ग्रुप के अध्ययन पर करने के लिए हम उन्हें दासता प्रभाव बोलते हैं। एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, मान लीजिए एक हमने ग्रुप बना लिया, इसके अंदर हमने 5 बच्चे रख लिए, तो ये जो सारे बच्चे होंगे वो एक ही अवधि के जन्मे हुए होंगे, एक ही टाइम पीरियड के लिए। मान लीजिए कि मेरा बर्थ सन अगर 1992 है और किसी टीचर को मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो मेरे साथ जो बच्चे रखेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए वो सारे 1992 वाले ही बच्चे रखेंगे। ये नहीं कि आप 1993 सन वाले ब्रॉन के बेबीज़ को ले आओ, 1994 वालों को ले आओ। तो इसीलिए एक ही समय अवधि के स्टूडेंट्स को उसके अंदर रखा जाएगा। अब आपको ये भी पता चल गया लॉन्गिट्यूड मेथड क्या होता है, इसके गुण अवगुण क्या हैं, इसको किस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, किस कंडीशन में रखा अलग रखा जाता है। काफ़ी यूज़फुल मेथड है, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया है और मेरे ख्याल से भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जो इसके आपको मैंने मेरिट्स डीमेरिट्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग पता ही चलता है कि आप बच्चे के बिहेवियर को कैसे जज कर सकते हैं, उनके गुणों को कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आज यहीं पे फिनिश होता है। इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे उसमें भी एक और मेथड के साथ डिस्कस करेंगे। और बाकी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फॉर योर नोटिफिकेशन। आपको जैसे वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी जो KVS का PGT का प्रॉपर आपको उसके लिए पूरा डाटा चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए वीडियो के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं, मेल ID आपके साथ शेयर की हुई है, नंबर मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।